इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे देखा जाए तो तमाम माशरे की अहमियत औरत के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकती, खासकर बेटी, माँ, बहन, बीवी और भी दीगर रिश्तों में अपना किरदार औरत निभाती रहती है। वैसे तो सभी मजाहिब में औरत के मकाम को इंतहाई अजमत का मकाम दिया गया। अगर मुस्लिम माशरे की बात की जाए तो वालिदैन की फरमाबरदारी में ही औलाद की दुनिया और आखरत की कामयाबी छिपी हुई है। पर मौजूदा हालात में क्या बात है कि बच्चे वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है कि माशरे में बढ़ती बेहयाई दिशाहीन नौजवान नस्ल की अंधेरों में भटक रही है? जिन वालिदैन ने अपना पेट काट कर बच्चों की परवरिश की थी, आखिर क्या हो गया कि वालिदैन से ही नफरत करने लगे? कहाँ तरबियत में कमी हो रही है? सभी वालिदैन को समझने की जरूरत है। वालिदैन के लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जब घर में नया मेहमान आता है। फिर बच्चे की परवरिश, खासकर लड़की हो तो मुस्लिम माशरे में तो इसे मुबारक ही माना जाता है। ये और बात है कि कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो लड़के पैदा होने पर मायूस हो जाते हैं। हदीसों के मुताबिक जिसके घर में लड़कियां पैदा हो उसे जन्नत की बशारत दी गई है। कहने का मतलब, लड़की के पैदा होने से शादी तक बिल्कुल फूल की तरह परवरिश की जाती है। यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि तालीम तो दी जा रही है पर तरबियत, तहजीब इस्लामी दायरों में रखना हम भूल जाते हैं, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। हाल ही में एक वाकया जो बेलगाम शहर के करीब बेलोंगल का रुनुमा हुआ है, वाकई सोचने के काबिल है। वैसे तो शायद ही कोई दिन जा रहा हो जहां मुस्लिम माशरे की कोई लड़की गलत रास्ता अख्तियार करने की खबर हासिल न हो रही हो। बेलगाम के करीब बेलोंगल गांव में यूपी अलीगढ़ से कुछ लड़के रोज़ रोटी मजदूरी की तलाश में पहुंचे। वैसे आजकल दिगर रियासतों से बेलगाम में काफ़ी लोगों की आमद हो रही है। यह भी बात तवज्जो के काबिल है कि अनजान अजनबी लोगों से नज़दीकियाँ कभी कभी इतनी महंगी पड़ती हैं कि आप दोबारा संभल ही नहीं पाते। दिगर रियासतों से आने वाले नौजवान अच्छी हिंदी उर्दू बोलते हैं जिससे सामने वाले काफ़ी मुतासर हो जाते हैं। यही किस्सा बेलोंगल का है कि दौरान लॉकडाउन पहचान हुई रुई की फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले तीन लड़कों का सामने के घर वालों से पहचान हुई, दोस्ती हुई, इसी तरह से लड़की से ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई। आखिर मोहब्बत के जाल में इसे फंसाकर अलीगढ़ ले गए। लड़की के वालिदैन ने दो के खिलाफ बेलगंगल पुलिस थाने में लड़की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो लिखवाई है। रमेश और राकेश, ये नाम बदल कर हम बता रहे हैं, लड़की को अलीगढ़ ले गए, भीड़ भाड़ वाली गलियों में रखा। लड़की के वालिद और चाचा पीछे से अलीगढ़ पहुंचे, लेकिन उन्हें ना तो कोई पहचानता है और ना इन्हें यहाँ के रास्ते इलाकों का कुछ पता। आखिर इनके किसी घर के अफराद ने मुझे यानी कि इत्तेहाद न्यूज़ को बताया कि लड़की को इस तरह से अगवा किया गया और लड़की यूपी अलीगढ़ में है। हमारे पहचान के एक वसीम खान दोस्त हैं जो अखबार के ताल्लुक से रबते में हम अक्सर रहते हैं, तो उन्हें हमने इस लड़की के वालिद का मोबाइल नंबर दिया और वसीम खान ने किसी तरह लड़की को ढूंढ निकाला। वसीम भाई अपने रसूख से पुलिस और दिगर अफसरान से रबता कर लड़की को वापस वालिद और चाचा के हवाले किया। एक लंबी कहानी है क्योंकि इसे मुख्तसर हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर एक अनजान एक अजनबी जगह पर अगर लड़की को भीड़ भाड़ वाली गलियों में रखा हो तो वहाँ से उसे तलाश कर निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। खैर, लड़की पर मोहब्बत का भूत फिर भी सवार था। वालिद बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा था पर मोहब्बत का नशा इतना गहरा था कि वालिद की परवरिश का इसे ज़रा बराबर भी एहसास नहीं रहा। आखिर हमने भी फ़ोन के ज़रिए समझाने की कोशिश की पर कुछ फ़र्क ना पड़ा। आखिर वसीम खान ने किसी तरह लड़के के घर वालों को समझाया तो लड़की को छोड़कर उनके घर वाले वहाँ से चले गए, यानी कि लड़के वाले के घर वाले वहाँ से चले गए। पर अफसोस के कुछ ही देर बाद वहाँ पर बजरंग दल के लोगों को लेकर एक भीड़ आई और लड़की को फिर उन्होंने अपने कब्जे में लिया। कहने का मतलब, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम किस तरह की कर रहे हैं जिसके ये असरात हमें आजकल देखने को मिल रही है। यह पहला मामला नहीं है, कभी कभी मामले सामने आते हैं तो पता चलता, वरना अक्सर मोहल्लों में ऐसी खबरें सुनने देखने को मिलती रहती है। लड़कियों को हद से ज़्यादा आज़ादी की भी इस तरह कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल आज की नौजवान नस्ल को वालिदैन का एहतराम इनके हुक्मों के खिलाफ वर्जी आम बात बनती जा रही है। इससे बढ़कर अफसोस की बात क्या हो सकती है कि माँ बाप को ही बच्चों से डर कर रहने की नौबत आई है। कई घरों में वालिदैन बच्चों से डर कर किसी तरह का हुक्म तो क्या मशवरा तक नहीं देते। कहते हैं अगर बच्चों के डर से
वालिदैन अपनी ज़रूरतों का इजहार ना करे तो वो दुनिया की सबसे बदतरीन औलाद साबित हो सकती है। कुछ देर ठहर कर नौजवान नस्ल को सोचना होगा कि जिस तरह गलत रास्तों को इख्तियार कर अपनी जिंदगियों को जहन्नम न बनाए, अपनी जिंदगियों को जहन्नम बनाने की जो कोशिश की जा रही है इससे हम बाज आए। मोहब्बत का नशा वक्ती होता है और जब यह नशा उतर जाता है तो सब कुछ लूट चुका होता है। वक्त जब हाथ से निकल जाता है तो पलट कर नहीं आता, और वैसे भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करके तुम हर हाल में खुश नहीं रह सकते। कुछ साजिशें कुछ तरकीबों को दुश्मन इस तरह भी अंजाम दे रहा है। अल्लाह ने औरत को खूबसूरत बनाया और इसकी हिफाजत की साथ रखने का हुक्म भी दिया, और जिन लोगों ने वाकई अल्लाह और उसके रसूल आखिरत तहजीब तरबियत पाई उन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी हासिल की। और कुछ लोगों ने दुनिया के वक्ती ज़िंदगी के लिए माँ बाप से बगावत की, ना तो उन्होंने दुनिया में कुछ हासिल किया और आखिरत में तो सवाल ही नहीं आता। अगर मुर्तद होकर कुछ मर भी रहे तो इनके हक में दुआ भी काम नहीं आती। लिहाजा आज की नौजवान नस्ल को चाहिए कि वालिदैन के भरोसे को यूँ सरे बाजार ना उछाले, अपने वालिदैन की कदर करे। इनकी बगावत कर आप इत्मीनान की ज़िंदगी हरगिज़ गुजार नहीं सकते। यकीनन इल्म सीखना फ़र्ज है, पर हमने महज तालीम पर ही तवज्जो दी, तरबियत पर नहीं। तालीम और तरबियत साथ होना ज़रूरी है। दीन को मकसद बनाकर तालीम हासिल करें, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। कहने का मतलब हम सभी अल्लाह के दीन की तालीम से दूर हो चुके हैं, लिहाजा इसकी कीमत अब हम इस तरह चुका रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।